सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गार्दी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गार्दी को शुजाउद्दौला के टोले में तो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही पकड़ कर रख लिया गया था। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टोले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसीलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गार्दी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया, फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था, इस समय वह घायल पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गार्दी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम 10,000 मराठों की पलटन के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि निजाम के रवैये मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? जी हाँ, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों की क्या तौबा करनी पड़ती है? और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप ये जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वालों पर दोषियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने ये सब सीखा है। क्यों, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, पांचों वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों से वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या फिर मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद वह बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज ना निकाल पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं।
अब समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूछता हूं जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता। हम भी? हाँ, आप भी। खबरदार, हर तंबू के सामने भरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या बुत परस्ती नहीं? तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ था। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा। क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, सिर काट दिया गया। उफ, घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुची, बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ, इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गार्दी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह।